एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गांव की उन समस्याओं के बारे में जिससे वहां के लोग जूझ रहे हैं और जिसका निराकरण कैसे हो सकता है। आइए बात करते हैं मुजफ्फरनगर के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी जी से। विधायक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। विधायक जी, ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में ग्रामीण और शहरी नाम के दो भारत हो गए हैं, जैसे जिससे कि जो सरकार है वो गांव की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती लेकिन शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती है? नहीं, हमारी सरकार गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे गांव में मकान बनाए जा रहे हैं, सीसी रोड बनाए जा, आज कोई गांव ऐसा नहीं है मेरी विधानसभा में तो कोई नहीं जिसमें सीसी रोड ना हो। मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूँ कि गांव में विकास ज़्यादा हो। नगर में तो नगर पालिका होती हैं, पैसा वहाँ का वहाँ अधिक आता है, अलग से आता है तो वह कर लेते हैं, लेकिन गांव में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और हम दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि गांव में विशेष आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गांव के जो स्कूल हैं उसमें आज भी बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसका क्या कारण है? अब देखिए, हमारी सरकार बने एक वर्ष हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये जब हम पढ़ते थे तो उस समय बिल्डिंग भी कच्ची थी, एक तरह कड़ियों के मकान थे, बिल्डिंग थी उसके नीचे हम पढ़ते थे, कभी भी कोई भी ईंट आकर हमारे सिर में लग जाती थी, रेत पर उंगलियों से लिखा करते। आज ब्लैक बोर्ड हैं, पक्की बिल्डिंग हैं, सरकार ड्रेस दे रही है, दो जोड़ी ड्रेस दे रही है, जूते मोजे जर्सी और किताबें फ्री, शिक्षा फ्री दे रही कर रही है। और ये धीरे धीरे हम व्यवस्था कर रहे हैं, होगी जो बेंच है बैठने की व्यवस्था सरकार करेगी, उस पर ध्यान देगी। जैसे कि आपने कहा कि बिल्डिंग बनाई जा रही है, मतलब स्कूलों की जो बिल्डिंग बनी है, लेकिन इसको बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें बाउंड्री तक नहीं है, इसका कारण? भाई मेरी विधानसभा में तो कोई है नहीं ऐसा, या मेरे ज़िले में एक आध कोई ऐसा होगा वहाँ पर बाउंड्री कराई जाएगी। अब से पहले सरकार सपा बसपा की रही है, हमारी सरकार बने 11 महीने हुए हैं तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, गाँव के जो बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान। वे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, अमीरों के नहीं पढ़ते, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक स्कूलों में। तो अब हमारी सरकार हर विधानसभा में 5 इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी खोल रही है, 5-5 हर विधानसभा में। अब इसे हम देखेंगे, उसके बाद फिर और बढ़ाए जाएंगे, जैसे जैसे टीचरों की व्यवस्था होगी तो और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। तो विशेष ध्यान गाँव की तरफ हमारी सरकार दे रही है। जैसे कि आपने कहा कि स्कूलों में बच्चों को ड्रेस दिया गया है, जूते मोजे दिए गए हैं, लेकिन जो गांव के स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है, इसका क्या कारण? शिक्षकों की कमी तो ऐसी खास कमी तो है नहीं, और जो होगी अब भर्ती चलेगी, भर्ती 38,000 शिक्षक भर्ती होंगे तो ज़्यादा होंगे शायद। विधायक जी, बात अगर रोजगार की करें तो जब सरकार बनने के टाइम पे बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हर युवा को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार आज भी कहीं नहीं है, इसका कारण? देखिए, रोजगार देने के लिए समय चाहिए। अब भर्ती, पुलिस की भर्ती हमारी हो रही है, दरोगाओं के हमारे भर्ती के लिए परीक्षा हुई है, टीचर की भर्ती होगी, हर विभाग में भर्ती होगी। अब 9-10-11 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी हो नहीं सकता रोजगार मिलेगा। रोजगार केवल नौकरी नहीं होता, रोजगार स्वरोजगार भी होता है, उनको लोन देकर रोजगार पर खड़े करना। ये युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भी काफ़ी काम चल रहे हैं, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इससे आप निश्चित रहिए। ये बताइए, जो गांव के जो जैसे सफाई कर्मी होते हैं उनको 70,000 से ज़्यादा का वेतन दिया जाता है, लेकिन वहीं गांव के मुखिया को 3500 रुपये दिए जाते हैं, इसका कारण? पहले तो एक ही पैसा नहीं दिया जाता था गांव के मुखिया को। भाई गांव का मुखिया, गांव प्रधान एक समाज सेवक होता है, तो वो समाज सेवा की भावना से काम करता है। ये 3500 रुपये भी अब हुए हैं, पहले तो जब मैं प्रधान था 2005 में 500 रुपये मानदेय है, ये नौकरी, ये वेतन नहीं है, ये मानदेय है, सम्मान है,
कोई कार्यकर्ता आते हैं गांव के लोगों ने चाय पानी पिला देना, एक सम्मान है 3500 रुपये, ये नौकरी नहीं है, ये वेतन नहीं है। ये जो मनरेगा योजना चली थी 100 दिन रोजगार की गारंटी, उसमें जो मजदूर काम करते हैं उसमें उनको 175 रुपये दिया जाता है हर मजदूर को, वही मजदूर जब प्राइवेट काम करने के लिए जाता है तो 300 या 350 रुपये मिलते हैं। ऐसे में जिस मजदूर को 175 रुपये मिलते हैं वो अपने घर की देखभाल कैसे करेगा, इस पर क्या सरकार कोई योजना चला रही है? ये 100 दिन का काम मिलता है प्राइवेट में, आज गया कल नहीं गया, कहीं कई दिन छुट्टी हो जाती है, तो ये तो बड़ा प्रसन्न है भाई। प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सोचेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे प्रधानों का ये कहना है, जो बहुत सारे गांव में ऐसे प्रधानों का ये कहना है कि जो वो गांव के विकास करना चाहते हैं लेकिन उन तक फंड नहीं पहुंच पाता, इसका कारण? नहीं, फंड तो पहुंच रहा है समय समय पर, जो राज वित्त आयोग है, 14वां वित्त आयोग है, मतलब 14वां वित्त है, राज वित्त है, ये समय समय पर पहुँचता है, ऐसा तो नहीं है। कुछ प्रधानों को जानकारी ना होने के कारण समय से योजना नहीं भेज पाते, जो कार्य योजना है उसको नहीं बना पाते होंगे। ठीक हो रहा है काम, तो अगर कार्य योजना समय से पहुँच जाए जिले पर और जिला उसको भेज दे प्रदेश में तो समय से पहुँच जाएगा पैसा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब 11 महीने हुए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये बताइए आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या विकास किए हैं? मैंने लगभग खड़ौंजा निर्माण, सीसी निर्माण, इंटरलॉक निर्माण, ये काफ़ी किए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होंगे। तो अब जैसे मेरा गांव जंदेहड़ी है, 300 मीटर सीसी निर्माण मैंने वहां कराया है। एक मेरा गांव मंदोड़ पड़ता है, 1 किलोमीटर मैंने काली सड़क वहाँ बनवाई है। मेरा गांव पड़ता है बेहड़ासा, वहाँ पर 90 मीटर मैंने वहाँ पर खड़ौंजा लगवाया है। तो ऐसे ही गांव नंगला मुबारक पड़ता है, मैंने वहाँ पर 500 मीटर सीसी निर्माण कराया है। तो कई सारे गांवों में काम चल रहा है, तो लगभग 1 करोड़ रुपए का काम हो चुका है और लगभग 50 लाख का काम चल रहा है। तो ये मार्च में जो 1.5 करोड़ मुझे मिले हैं निधि के, ये मार्च में ये सारे पैसे ये काम करा दिया जाएगा। देखिए, ग्राम पंचायत आपके हिसाब से क्या मायने रखती है? ग्राम पंचायत एक बहुत बड़ा मायने रखती है। ग्राम पंचायत को तो ये समझिए कि पहली पंचायत तो ग्राम पंचायत, जो पहली पंचायत है ग्राम पंचायत है, गाँव का विकास है तो देश का विकास, तो गाँव में विकास होना बहुत अनिवार्य है। तो मैं तो बहुत कभी गांव का प्रधान भी रहा हूं, इसलिए मुझे पता है, अधिकारी बहुत दिए गए हैं, छोटे मोटे झगड़ों के फैसले ग्राम प्रधान करा देता है, और विकास कार्य तो काफ़ी हो रहे हैं। हमारे गांव का प्रधान है, बहुत काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छे प्रधान जी हैं हमारे। तो काफ़ी इंटरलॉक उन्होंने लगवा दी, सीसी रोड बनवा दी, तो आसपास के गाँव में भी काम चल रहे हैं। जो प्रधान जागरूक है, पढ़ा लिखा है, वो अधिक काम करवा लेता है। देखिए, ये बताइए कि आपके हिसाब से गांव में ऐसा क्या क्या होना चाहिए कि ग्रामीण जनता भी जो देश का विकास है उस पे आगे आए? ऐसा है गांव में, जैसे हमारी सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, तो अगर बच्चों को इंग्लिश की पढ़ाई वहीं मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे टीचर होंगे, तो ज़्यादातर माँ बाप शहर की तरफ इसलिए भागते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाए। कुछ लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, तो जो मनरेगा है इसमें रोज़गार है। अब एक दिक्कत यह है, आज का युवा, क्योंकि गांव कृषि से जुड़ा हुआ होता है, युवा खेती में काम करना नहीं चाहता, तो वो चाहे फैक्ट्री में लगे, कुछ भी काम करे, भले उसे अधिक कठिन काम मिले, उसे वहाँ कर लेता है, खेती में करना नहीं चाहता। जबकि खेती हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है और किसान अन्नदाता कहलाता है, तो युवाओं को खेती में रुचि लेनी चाहिए। और आसपास अगर गांव के कई फैक्ट्री लग जाए तो ये भी एक जो जा रहे हैं लोग शहर की ओर, ये भी रुकेगा, इस कारण भी रुक जाएगा।
विधायक जी, जैसे कि आपने कहा कि इंग्लिश मीडियम की बच्चों की पढ़ाई होगी जैसे गांव में होती है, लेकिन जब सरकार बनने के टाइम पे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भी समान शिक्षा दी जाएगी, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे या प्राथमिक विद्यालय या बड़ा स्कूल हो, कि जो उन पे फीस भी रोक लगाई जाएगी और कि कॉपी किताबों में भी रोक लगाई जाएगी जो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें 25% गरीब बच्चों के एडमिशन पब्लिक स्कूल को करने होंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया है, कर रहे हैं लोग। फीस भी उनकी माफ़ की जा रही है और जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ़ सख्ती से सरकार पेश आएगी। ऐसे पहले की तरह ढर्रा नहीं चलने दिया जाएगा, तब सख्ती होगी तो करें। कुछ समाज सेवा की भावना भी पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधन समिति है उनके अंदर होनी चाहिए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए कि ये गरीब के बच्चे हैं, हम इन्हें अगर निःशुल्क पढ़ा देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। 75% बच्चों को हम फीस अच्छी ले लें और जो गरीब बच्चे हैं 25% का हम एडमिशन करके उन्हें फ्री शिक्षा दे दें अच्छी, तो देश का विकास होगा, गरीब आदमी का विकास होगा, उनके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पाएंगे या अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। विधायक जी, हमारे ग्रामीण जनता के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? गरीब जनता और ग्रामीण जनता के लिए मेरा संदेश यही है कि देश हित में हमें काम करना चाहिए, हमें कृषि में भी रुचि लेनी चाहिए और अपने गांव से प्यार करना चाहिए। मैं विधायक होने के बाद भी अपने गांव में रहता हूं। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि शहर में मकान बना लीजिए, आप किराए पर ले लीजिए। मैं दिन में अपने क्षेत्र में रहता हूं, मैंने अपना कैंप कार्यालय खतौली में बनाया हुआ है, 4 घंटे बैठता हूं, 2 दिन सोमवार मंगलवार को सोता हूं अपने गांव में। ये संदेश देने के लिए कि एक विधायक होने के बाद भी ये गांव में ही रह रहे हैं, गांव में सोते हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, लोग पलायन ना करें। देश हमारा, महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर भारत को देखना हो तो गांव में जाकर देखिए, वास्तव में हिंदुस्तान गांव में बसता है, शहर में इंडिया है, गांव में भारत है। देखिए, आपके हिसाब से गांव में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, किसान है, वो अपने घर को खुशहाल रख सके? भाई, रोटी कपड़ा मकान शौचालय, ये उसको मिलता रहे, वो ठीक मेंटेन कर लेगा अपने परिवार को, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसे रोजगार मिल जाए, स्वरोजगार हो। नौकरी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, आज पढ़े लिखे इतने बालक हैं, हर माँ बाप पढ़ाता है अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति को, हर बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकती, उसको स्वरोजगार के लिए भी कुछ करना होगा। अपना रोजगार है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपने कहा कि हर व्यक्ति, मतलब माँ बाप जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो नौकरी के लिए, लेकिन आपने कहा कि नौकरी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, ऐसा क्यों है, इसका कोई कारण? नौकरी मान लीजिए 30,000 है, फार्म भरे जाएंगे 30 लाख, तो हर बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, तो 125 करोड़ तो नौकर नहीं हो पाएंगे। सारे नौकर हो गए तो फिर भाई काम और काम कैसे होंगे, खेती कैसे होगी, ये गाड़ी कौन चलाएगा, हमारी सफाई कौन करेगा। तो हर व्यक्ति का काम अलग अलग है, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे मुजफ्फरनगर के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आगे भी हम अन्य जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, तब तक शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।